छत्तीसगढ़ के जंगल कक्षा 5। जंगल की सैर। जंगल घूमा चाचा जी ने दूरबीन ले साथ में, दूर दूर की चिड़िया दिखती उनको अपने पास में। ऊंचे पेड़ पे चढ़ के देखा एक तेंदुआ नीचे, तभी अचानक देखा बंदर दौड़ा उसके पीछे। बच्चों, क्या तुम कभी जंगल गए हो? क्या तुमने जंगल देखा है? आओ आज हम छत्तीसगढ़ के जंगल की सैर करें। छत्तीसगढ़ में कहीं बहुत घने जंगल हैं तो कहीं विरल जंगल है। यहाँ कई तरह के पेड़ हैं, इनमें साल, सागौन, महुआ, तेंदू, शीशम, हल्दू, आंवला, बांस प्रमुख हैं। साल सराय के जंगल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बस्तर और जसपुर में साल वृक्ष बहुत मिलते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा है। छत्तीसगढ़ में जसपुर में साल के बहुत जंगल पाए जाते हैं। ये है बस्तर। बस्तर में भी साल के बहुत से जंगल पाए जाते हैं। इन इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है, इसका असर यहाँ उगने वाले पेड़ पौधे पर पड़ता है। यहाँ साल के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन जंगलों की पहचान साल के जंगलों के नाम से होती है। इसकी छाल काली, कड़ी एवं मुड़ी हुई होती है। साल के वृक्षों में मार्च अप्रैल में पुरानी पत्तियां झड़कर नई पत्तियां आ जाती है। इसकी सारी पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती, इसलिए ये पेड़ वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और इनके जंगल भी हरे भरे रहते हैं। साल के वृक्ष को पनपने के लिए दोमट मिट्टी और गर्मी के साथ बरसात की आवश्यकता होती है। साल के वृक्ष का उपयोग। साल एक मजबूत और इमारती लकड़ी है। इसका उपयोग दरवाजा, खिड़की और फर्नीचर आदि बनाने में होता है। इसका अच्छा गुण है कि ये जल्दी पानी में खराब नहीं होती। इसके अलावा साल की लकड़ी का उपयोग पुल, नाव, डोंगियों, खेती के औजारों को बनाने में भी किया जाता है। इसकी छाल और टहनियों का चमड़ा उद्योग में इस्तेमाल होता है। पेड़ पर खांचे बनाकर इसका रस निकाला जाता है, इसे हम राल कहते हैं। इसका उपयोग धूप बत्ती, कान की बीमारियों की दवाइयां आदि में किया जाता है। सागौन के जंगल। सागौन के जंगल छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र बस्तर में पाए जाते हैं। यह केवल बरसात या इसके बाद के दिनों तक हरा भरा रहता है। सर्दियों के अंत तक इसकी पत्तियां झड़ने लग जाती है। इस कारण गर्मी में सागौन के जंगल उजड़े से दिखाई देते हैं। बस्तर के जंगल के अन्य प्रमुख वृक्ष। बस्तर के जंगल में साल, सागौन के अलावा शीशम, महुआ, तेंदू के वृक्ष, बांस के पेड़, आंवला का वृक्ष,
और अर्जुन, पलाश, आम के पेड़ भी पाए जाते हैं। बस्तर के वनोपज। वनों से प्राप्त होने वाले वनोपज जैसे तेंदू, चार, मऊहा, तेंदुपत्ता, इमली आदि यहाँ के लोगों के जीवन यापन का प्रमुख साधन है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में अनेक प्रकार की औषधियाँ भी पाई जाती है, इस कारण इसे प्राकृतिक औषधि वाला राज्य हर्बल स्टेट भी कहा जाता है। बच्चों, आपने कभी सोचा है अगर जंगल कम हो जाएंगे तो क्या होगा? जंगल के जंतुओं पर इसका क्या असर होगा? बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हाथी को उसके दांतों, गेंडे को उसके सींग, शेर मगरमच्छ को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है? इनके सुरक्षित जंगलों में रखने के लिए सरकार जंगलों को सुरक्षा दे रही है, इन्हें हम अभयारण्य कहते हैं। प्रमुख अभयारण्य। हमारे छत्तीसगढ़ में पशुओं एवं पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रमुख अभयारण्य बनाए गए हैं। यहाँ पर हम कुछ अभयारण्यों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला अभयारण्य है तमोर पिंगला अभयारण्य, यह है सूरजपुर जिले में। दूसरा है अचानक मार अभयारण्य, यह है मुंगेली जिले में। अचानक मार अभयारण्य ये जो मुंगेली जिले में है, ये शेर एवं बाघ के लिए संरक्षित स्थान है। तीसरा है भोरमदेव अभयारण्य, यह है कवर्धा या कबीरधाम जिले में। चौथा है पामेड़ अभयारण्य, यह है बीजापुर जिले में। बादल खोल अभयारण्य, यह है जसपुर जिले में। सीता नदी अभयारण्य, यह है धमतरी जिले में। और ये अंतिम अभयारण्य है उदंती अभयारण्य, यह है गरियाबंद जिले में। यह हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसे के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित स्थान है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभयारण्य है, जिनमें जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार प्रयासरत है।